गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको YDSE बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसकी हमने कंस्ट्रक्शन देखी थी। यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है उससे हमें इंटरफेस पैटर्न ही ऑप्टेन करेंगे, ठीक है ना। इसकी हमने कंस्ट्रक्शन देखी थी कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें कौन कौन से मतलब सामग्री चाहिएगी। तो इसमें मेनली क्या है, तीन स्क्रीन ही होती है। एक स्क्रीन एल है जिसमें एक स्लिट बनी होगी एस, उसके आगे दूसरी स्क्रीन होगी एम, उसमें दो स्लिट बनी होगी S1 और S2। S1 और S2 की एस से जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी। और इस एम स्क्रीन के आगे एक दूसरी स्क्रीन रखी होगी एन, और इस एन स्क्रीन पर हमें अल्टरनेट ऑर्डर में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज, बोले तो चमकीली और काली, दीप्त और अदीप्त पट्टिकाएं प्राप्त होगी। इन दीप्त और अदीप्त पट्टिकाओं, इन ब्राइट और डार्क जो बैंड्स है इनको हम फ्रिंजेज बोलते हैं, और इन फ्रिंजेज के का जो समूह होगा, ग्रुप ऑफ फ्रिंजेज इज कॉल्ड द इंटरफेस पैटर्न, इसी को हम व्यतिकरण प्रारूप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने इसका रे डायग्राम देखा था, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, रे डायग्राम पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि वेव जो है वो क्रिस्ट और ट्रोट के रूप में चलती है, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी लाइट सोर्स से वेव प्रोड्यूस नहीं करनी है, हमें वेव फ्रंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ये पॉइंट सोर्स है, तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे। पहले हमने क्या बनाया है, कंटिन्यूअस आर्क बनाया है, सतत चाप बनाया है। सतत चाप वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेव के क्रिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में ट्रोट आएगा, क्रिस्ट के बाद में क्या था, ट्रोट। फिर हमने थोड़ा सा आर्क है उसकी रेडियस को रिक्रीज कर दिया और डॉटेड आर्क बना दिया। ये डॉटेड आर्क है वो किसको शो करेगा, ट्रोट को शो करेगा, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट होगा तो ये एस भी एक लाइट सोर्स की तरह वेव करेगा, पॉइंट लाइट सोर्स की तरह, तो इससे भी ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। ये क्या हो गया, क्रिस्ट हो गया, फिर ट्रोट क्रिस्ट, तो अल्टरनेट ऑर्डर में ऐसे क्रिस्ट ट्रोट आएंगे। क्रिस्ट को आपको कंटिन्यूअस आर्क से बनाना है और ट्रोट को डॉटेड आर्क से बनाना है, ठीक है ना। तो ये इसमें डिफरेंट हो जाएगा कि डिफरेंस हो जाएगा कि हाँ कंटिन्यूअस वाला क्या है, क्रिस्ट है, और डॉटेड वाला क्या है, ट्रोट है। अब ये जो वेव फ्रंट है वो इस एम स्क्रीन है इस पर जाकर इंसिडेंट होगा, ओके, इस पर जाके इंसिडेंट होगा, तो इस S1 और S2 से भी क्या होंगे, वेव प्रोड्यूस होंगी, ओके। तो यहाँ पर एक सिंगल वेव फ्रंट को हम टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर S1 और S2 से भी लाइट वेव प्रोड्यूस होंगी, बोले तो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर S1 और S2 टू लाइट सोर्स की तरह वेव करेंगे, और यहाँ पर हम वेव फ्रंट डिविजन सिंगल वेव फ्रंट को टू वेव फ्रंट में डिवाइड करके टू कोहरेंट लाइट सोर्स ऑप्टेन कर रहे हैं। तो S1 और S2 क्या होंगे, टू कोहरेंट लाइट सोर्सेस होंगे। अब S1 और S2 से जो लाइट वेव प्रोड्यूस होंगी वो इस M और N स्क्रीन के बीच में यहाँ पर कहीं क्या होंगी, मीट होंगी, ठीक है ना। और मीट होंगी, हमें बताया कि इंटरफेस पैटर्न तभी मिलता है जब लाइट टू लाइट जो वेव है वो एक दूसरे पर जाकर सुपर इम्पोज होती है या एक दूसरे से मिलती है, तभी इंटरफेस पैटर्न मिलता है, ठीक है ना। और इंटरफेस पैटर्न में हमें पता है कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंजेज कब मिलेगी, ब्राइट फ्रिंजेज बोले तो जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, और इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले तो संपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब इससे जो उत्सर्जित वेव है या उससे इससे उत्सर्जित तरंग और इससे उत्सर्जित तरंग के सरंग मिलते हो, बोले तो क्रिस्ट मिलते हो या ट्रोट मिलते हैं, वहां पर हमें संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और पर्दे पर हमें चमकीली फ्रिंज बोले तो ब्राइट फ्रिंज ऑप्टेन होगी। और इससे जो प्रोड्यूस वेव और इससे प्रोड्यूस वेव, इनके एक का क्रिस्ट और दूसरे के ट्रोट पर अगर सुपर इम्पोज हो रहा है तो उस केस में हमें इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी, और इंटेंसिटी मिनिमम है तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, वहां पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण की स्थिति उत्पन्न होगी, और हमें पर्दे पर डार्क फ्रिंजे बोले तो काली अदीप्त फ्रिंजे प्राप्त होगी। अब देखिए, तो अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लो, ठीक है। S1 और S2 देखो ये बीच में डॉटेड लाइन है, तो इस डॉटेड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे दो पॉइंट लेने हैं, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। अब हम यहां पर देखो
S1 और S2 भी लाइट सोर्स की तरह वेव करेंगे, तो S1 और S2 से भी वेव प्रोड्यूस होगी, लेकिन वेव नहीं लेने हैं हमें, क्या लेने हैं, वेव फ्रंट लेने हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने ऐसे छोटा सा चाप लेकर, पहले क्या प्रोड्यूस होगा, क्रिस्ट प्रोड्यूस होगा इससे, और क्रिस्ट को हमें क्या बना रहा है, कंटिन्यूस आर्क लेना है, ओके। अब इतनी ही रेडियस का यहां पर ऐसे इसको सेंटर लेकर, यहां पर S2 पर एक सेंटर बनाकर इतनी ही रेडियस का यहां पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको मिटा देते हैं, ओके। दोनों के हमने क्या बना लिए, क्रिस्ट क्रिस्ट बना लिए, ओके। अब देखो इससे ये क्रिस्ट हो गया, अब इसके बाद में इससे क्या होगा, ट्रोट प्रोड्यूस होगा, तो हमने आर्क को थोड़ा बढ़ा लिया और इससे हमने क्या प्रोड्यूस कर दिया, ट्रोट प्रोड्यूस कर दिया, और ट्रोट को हमें रिप्रेजेंट करना है डॉटेड लाइन से, ओके। यहां कट गई है, कट जाएंगे अपने आप ही। अब इतनी ही रेडियस का चेंज नहीं करना है, इतनी रेडियस का यहां पर हम इस एच टू से जो ट्रोट प्रोड्यूस हो रहा है उसको डॉटेड लाइन से हमने ऐसे मिला दिया, ओके। अब आर्क को बढ़ा लिया, ट्रोट बन गया, अब नेक्स्ट क्या बनेगा, इससे क्रिस्ट बनेगा, ये इससे क्रिस्ट बन गया, ठीक है। फिर इससे भी क्रिस्ट बना लिया, इतनी रेडियस का इससे क्रिस्ट बन गया, ये अपने आप करते जाएंगे यहां पर, ओके। अब आर्क को बढ़ा दिया, अब क्या बनेगा, ट्रोट बनेगा, तो हमने ऐसे डॉटेड लाइन से ट्रोट बना दिया, S2 से प्रोड्यूस, फिर S1 से प्रोड्यूस ट्रोट आ गया, ठीक है। मतलब एक बार प्रकार खोलने के बाद में दोनों पर बनाने हैं, ठीक है। अब हम एक और बना लेते हैं, क्रिस्ट और बना लेते हैं, ये क्रिस्ट हो गया, S2 से प्रोड्यूस ये क्रिस्ट हो गया, कितने भी बना सकते हो आप, S1 से प्रोड्यूस क्रिस्ट हो गया, ओके। अब देखो ये दोनों इससे और इससे जो प्रोड्यूस्ड जो वेव फ्रंट है वो एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो रहे, मतलब कट रहे हैं, कट रहे का मतलब दोनों सुपर इम्पोज हो रहे, दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहले हम बीच वाले यहां पर जो मिल रहे हैं उन पॉइंट को ले लेते हैं, यहां पर देखो, यहां पर देखो S1 से ये आया क्या, क्रिस्ट, S2 से ये आया क्रिस्ट, दोनों के क्रिस्ट क्रिस्ट मीट हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे, तो जो मीटिंग जो पॉइंट है उनको हम डिनोटेड कर लेते हैं, इसको हम एक सर्किल से डिनोट किया है। इसे आगे चलो तो इसे ये क्या है, ट्रोट, इसका ये क्या है, ट्रोट, दोनों आपस में मिल रहे हैं, यहां क्रिस्ट क्रिस्ट मिल रहे थे, यहां ट्रोट ट्रोट, यहां सरंग सरंग मिल रहे हैं, यहां गर गर। इसे आगे चलिए तो अगेन सतत सतत लाइन मिल रही है, बोलते दोनों की क्रिस्ट क्रिस्ट सरंग सरंग मिल रही है। इसे आगे चले तो डोटेड डोटेड दोनों के गर्त गर्त, यहां दोनों के सरंग सरंग, ओके। तो यहां पर इस वाली लाइन के सीध में हम देखें तो यहां पर इससे जो प्रोड्यूस वेव है उसका जो स्रिंग है बोले तो क्रिस्ट है वो इसके क्रिस्ट से, और ट्रोट वो ट्रोट से मिल रहा है। तो हमें पता है कि स्रिंग स्रिंग पर, जैसे ये वेव है दूसरी ये वेव है, ठीक है, स्रिंग स्रिंग पर अगर सुपर इम्पोज होता है तो हमें पता है कि रिजल्टेड जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इंटेंसिटी इंक्रीज होगी बोले तो इस केस में इन पॉइंट को अगर हम मिला दें तो इस इन पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी, संपोषी व्यतिकरण होगा बोले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा, इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है बोले तो लाइट की चमक अधिक होगी, इसलिए यहां पर हमें कैसी पट्टी प्राप्त होगी, ब्राइट होगी, ब्राइट बोले तो लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम, ओके। अब इससे जस्ट ऊपर चलो आप, जस्ट ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। यहां से देखो यहां पर इसका क्या है, क्रिस्ट, और इसका क्या है, ट्रोट। देखो कंटिन्यूस और डॉटेड जो आर्क है वो कट कर रहे हैं, इसका मतलब एक का क्रिस्ट और दूसरे के ट्रोट पर सुपर इम्पोज हो रहा है, इनको हमने ऐसे गहरे पॉइंट द्वारा शो कर लिया। आगे चलो यहां पे भी देखो इसका क्रिस्ट और इसका ट्रोट मिल रहा है, फिर इसका इसका ट्रोट और इसका क्रिस्ट, फिर इसका क्रिस्ट और उसका ट्रोट मिल रहे कि नहीं मिल रहे।
तो यहाँ पर एक एक जो लाइट सोर्स है उसका क्रिस्ट इस H2 से प्रोड्यूस लाइट जो वेव है उसके ट्रोट पर सुपरइम्पोज हो रहा है। एक इसका स्ट्रिंग इसके गर्त पर और इसका गर्त इसके स्ट्रिंग पर अध्यारोपित हो रहा है। तो एक का स्ट्रिंग दूसरे के गर्त पर होगा तो कैसा इंटरफेरेंस होगा, कैसा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। और इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो हमें कैसी फ्रिंज ऑप्टेन होगी, डार्क होगी। ठीक है, अब इससे नीचे वाले पॉइंट पर देखो, यहाँ पर अगेन इसका क्रिस्ट इसके ट्रोट से कंटिन्यूस और डॉटेड लाइन कट कर रही है, तो डार्क कंटिन्यूस डॉटेड लाइन कट कर रही है, कंटिन्यूस डॉटेड लाइन कट कर रही है, कंटिन्यूस डॉटेड कट कर रही है। तो इनको अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें अगेन डार्क मिलेगा। बीच में ब्राइट आ गई, दोनों तरफ डार्क डार्क आ गई, दो कंटिन्यूस दो ब्राइट नहीं आएंगी, दो कंटिन्यूस डार्क नहीं आएगी, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में डार्क ब्राइट 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 नहीं। अब ऊपर भी और भी बना सकते हो आप। अब अगेन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो दोनों क्या है, कंटिन्यूस मीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव संपोषी व्यतिकरण होगा। यहाँ पर अगेन कंटिन्यूस यहाँ पर डॉटेड मिल रहे, यहाँ पर कंटिन्यूस मिल रहे। इनको अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा, तो ब्राइट फ्रिंज ओपन होगी। ठीक है, अगेन यहाँ देखो, यहाँ दोनों के कंटिन्यूस यहाँ डॉटेड यहाँ कंटिन्यूस इनको अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज ऑप्टेन होगी। तो अल्टरनेटिव ऑर्डर ब्राइट डार्क ऐसे होते हैं। ओके, तो डायग्राम समझ में आ गया होगा सबको, आ गया कि नहीं आ गया। ओके, अब इसके बाद में मैंने आगे वेव भी बनाई थी, ऐसे हमने वेव भी बनाई थी। कि यहां पर क्या होता है, यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस संपोषी व्यतिकरण होगा, यहां पर क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा, बोल दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा। बोल दो यहां पर ये जो ब्राइट मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि एक का जो क्रिस्ट है वो क्रिस्ट पर और एक गर्त पर और स्रिंग पर अध्यारोपित हो रही है। बोल दो क्रिस्ट पर और ट्रोट पर सुपरइम्पोज हो रहा है। तो देखो एक वेव तो हमने ये ले ली, एक वेव मान लो ऐसे है, ये एक वेव होगी, ठीक है, ये है। दूसरी वेव इस पर कैसे सुपरइम्पोज हो रही है, ऐसे सुपरइम्पोज हो रही है, ये दूसरी वेव बना ली है, दूसरी वेव है वो इस पर ऐसे सुपरइम्पोज हो रही है। ठीक है, एक का देखो क्रिस्ट पर सुपरइम्पोज हो रहा है और ट्रोट पर सुपरइम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेड जो वेव बनेगी वो क्या बनेगी, देखो रिजल्टेड जो वेव आएगी वो ऐसे आएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ के आएगा ऐसे, ये इस कंडीशन में रिजल्टेड वेव होगी। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, इस कंडीशन में अगर देखें, इस कंडीशन यहां पर ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है ना, इस कंडीशन में डार्क वाले कंडीशन में देखें तो देखें हमारे पास एक वेव तो ये है, ठीक है, इस कंडीशन में जो दूसरी वाली जो वेव है ठीक है ना, उसका क्रिस्ट जो है इसके ट्रोट पर सुपरइम्पोज हो रहा है। तो ये जो इस पॉइंट पर ये जो डार्क फ्रिंज है यहां पर वेव कैसे मीट हो रही है, यहां पर वेव ऐसे मीट हो रही है, एक का क्रिस्ट दूसरे के ट्रोट पर सुपरइम्पोज ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। ओके, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल, देखो यहाँ पर तो क्रिस्ट एक तरफ थे लेकिन यहाँ पर एक का क्रिस्ट दूसरे के ट्रोट पर, एक का ट्रोट दूसरे के क्रिस्ट पर सुपरइम्पोज हो रहा है, अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेड वेव हमें क्या मिलेगी, रिजल्टेड वेव हमें ये मिलेगी, जीरो इंटेंसिटी वाली। ओके और नॉट ओके, सिमिलरली यहां पर देखें तो यहां पर भी डार्क में भी ऐसे ही होगा, ठीक है, एक का क्रिस्ट दूसरे के ऐसे ट्रोट पर सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है, और हमें ऐसे ये रिजल्टेड जो वेव मिलेगी वो ये मिलेगी, ये जो ब्लू जो कलर की जो मैंने बनाई है वेव वो रिजल्टेड वेव है, ठीक है ना। अगेन ऊपर ब्राइट है तो सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है।
अब इसका देखो जो रिजल्टेड हमें स्क्रीन पर कैसे हमें दिखाई देगी, स्क्रीन हमें कैसी दिखाई देगी, देखो स्क्रीन पर हमें ऐसे ऑप्टन होगा, स्क्रीन पर हमें यहाँ पर अगर हम स्क्रीन को अगर 3D में देखें या हम 2D में देखें तो हमें स्क्रीन ऐसी नजर आएगी। देखो अल्टरनेटिंग ऑर्डर में ऐसे ये मान लो आपको ब्राइट नजर आएगी, ये ब्राइट नजर आ रही है ना, सफेद है ना, ब्राइट ऐसे आपको पट्टिका नजर आएगी, फिर डार्क बनेगी, फिर अगेन क्या मिलेगी आपको, ब्राइट मिलेगी, फिर अगेन डार्क, ये ब्राइट। स्क्रीन पर आपको ऐसे पैटर्न ऑप्टन होगा, ऐसे पट्टिका मिलेंगी, डार्क ये यहां पर ये मिलेगी, फिर डार्क ये मिलेगी, फिर ब्राइट, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में देखो ये ब्राइट होगी, ये डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे आपको बैंड्स ऑप्टेन होंगे। ओके ओके, तो ये जो होगी इसको तो हम बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज। ओके और इसको हम बोलेंगे डार्क फ्रिंज। ये डिप्थ है, डिप्थ फ्रिंज है, ये इसको बोलेंगे अडिप्थ फ्रिंज। ठीक है, और इस पूरी को हम इसको बोलते हैं इंटरफेस पैटर्न बोलते हैं। वेतिकण प्रारूप, ठीक है, इसको हम वेतिकण प्रारूप बोलते हैं। डायग्राम समझ में आ गया, दोबारा समझा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ explanation of formation of fringes by Huygens wave theory। इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेज बाय हाइगेंस वेव थ्योरी। थ्योरेटिकल पोर्शन ही है ये, इसको इसकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा आपको, क्योंकि लंबा है, ठीक है ना, लंबी थ्योरी है ये, तो इसको लिखवाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको मैं समझा देता हूँ ये और आपको पीडीएफ भेज दूंगा। कुछ नहीं, यही है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये जो फ्रिंजेज ऑब्टेन हो रही है स्क्रीन एंड पर,
ये जो फ्रिंज बन रही है पर्दे एंड पर, इन फ्रिंजों के बनने को हमें हाइगेन के वेव जो तरंग सिद्धांत है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत है, उससे हम फ्रिंजों के बनने की व्याख्या कर रही है कि ये जो फ्रिंजे बन रही है वो हाइगेन के तरंग सिद्धांत से हमें समझानी है कैसे बन रही है। ठीक है ना, ओके समझो इसको। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर हम कोई भी एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, उससे लाइट है जब हम इस स्लिट पर इंसिडेंट करते हैं तो इस स्लिट से हमें पता है कि स्फेरिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस हो गए होंगे कि नहीं होंगे। इस स्लिट ऐसे गोलीय तरंगागर उत्पन्न होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब ये जो गोलीय तरंगागर है जैसे ही स्क्रीन एम पर पहुंचता है, इस स्लिट एस से उत्सर्जित, इस स्लिट एस से जो प्रोड्यूस्ड जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो स्क्रीन एम पर जब पहुंचता है तो स्क्रीन एम पर दो स्लिट बनी हुई है, दो छिद्र बने हुए है एस वन व एस टू। जैसे ही इससे जो उत्सर्जित जो तरंगागर एस वन और एस टू पर गिरेगा तो एस वन और एस टू जो है वो टू लाइट सोर्स की तरह, टू कोहरेंट लाइट सोर्स, दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों की भांति कार्य करेंगे। क्या करेंगे? दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों की भांति कार्य करेंगे, दो कोहरेंट लाइट सोर्स की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। यहां पर S1 और S2 क्या होंगे? टू कोहरेंट लाइट सोर्स होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये लाइट सोर्स हमने ले लिया, कोहरेंट लाइट सोर्स है, तो इससे भी क्या होंगी, सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होंगी और इससे भी क्या होंगी, सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस ही होंगे। ठीक है ना, इससे भी सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगे और इससे भी सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस ही होंगे, और इन सेकेंडरी वेवलेट्स को हमें वेव फ्रंट के टर्म में ही बनाना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, S1 और S2 दोनों का क्या लेना है, सेंटर लेना है। स्लिट S1 एंड S2 टेकन एज ए सेंटर, स्लिट S1 और S2 को हम केंद्र मानेंगे और केंद्र मानकर क्या करेंगे, सतत और असतत चाप खींचते हैं। इससे भी देखो सतत फिर असतत, सतत असतत, सतत असतत, कंटिन्यूस और डॉटेड आर्क ड्रॉ करने हैं। इससे भी आपको कंटिन्यूस और डॉटेड आर्क ड्रॉ करने हैं। ठीक है ना, यहां पर कंटिन्यूस जो आर्क होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो S1 और S2 से जो प्रोड्यूस जो वेव है उसके क्रिस्ट को शो करेगा, उसके सरंग को प्रदर्शित करता है। और जो डोटेड आर्क है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो तरंग के वेव के किसको, गर्थ को, ट्रोट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस और डोटेड क्यों बनाए हैं। कंटिन्यूस जो आर्क होगा वो क्रिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा और डोटेड जो आर्क होगा वो ट्रोट को रिप्रेजेंट करेगा। कंटिन्यूस जो सतत चाप है वो श्रृंग को और असतत चाप है वो गर्त को व्यक्त करता है। अब देखिए पर्दे M और जो N है, इन पर्दे M और N के बीच में ही क्या हो रहा है, ये आपस में कट रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो वेतिगण वेतिगण की जो घटना है, ठीक है ना, वो पर्दे M और N के बीच में ही होगा। इंटरफ्रेंस जो फिनोमिना होगा वो इस दोनों के बीच में होगा। यहां पर ही क्या हो रही है, इससे और इससे जो प्रोड्यूस जो लाइट वेव वो मीट हो रही है। ओके, अब देखिए जिन पॉइंट पर इनके बीच में हमें पॉइंट मिल रहे हैं, ये पॉइंट भी लिए, ये पॉइंट भी लिए, ठीक है ना, जिन पॉइंट पर S1 और S2 से जो प्रोड्यूस जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उनके क्या श्रृंग श्रृंग बोले तो क्रिस्ट क्रिस्ट एंड ट्रोट ट्रोट मीट होते हैं। S1 और S2 से जो प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स है उनके क्रिस्ट क्रिस्ट एंड ट्रोट ट्रोट मीट हो रहे हैं, वहां पर हमें पता है क्या होगा, ट्रोट ट्रोट क्रिस्ट क्रिस्ट और ट्रोट ट्रोट श्रृंग श्रृंग और गर्त गर्त एक दूसरे पर मिलेंगे, वहां पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, संपोषी वेतिकरण होगा। ठीक है ना, इन बिंदुओं को हमें क्या किससे, देखो यहां पर हमने इस बिंदु को एक छोटे सर्किल द्वारा, एक छोटे वर्त द्वारा दर्शाया गया है। यहां पर भी दर्शाया, यहां पर भी यही कंडीशन है, ये सतत सतत असतत, सतत सतत असतत, यहां भी छोटे सर्किल द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है ना, इन बिंदुओं पर क्या होगा, संपोषी वेतिकरण की स्थिति होगी। इन बिंदुओं को हम छोटे सर्किल द्वारा या छोटे वर्त द्वारा दर्शाए गए हैं ये बिंदु। ठीक है ना, इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, इन बिंदुओं को हमने मिलाया है, यहाँ पे भी मिलाया है, यहाँ पे भी मिलाया है ना,
इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीनोडल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीनोडल्स लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीनोडल्स लाइन बोलते हैं, बोले तो प्रस्पंद रेखा बोलते हैं। प्रस्पंद रेखाएं, ये जो रेखाएं इनको हम प्रस्पंद रेखाएं बोलते हैं। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है इनको हम क्या बोलते हैं? प्रस्पंद रेखाएं बोलते हैं, एंटीनोडल्स लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीनोडल्स लाइन बोलते हैं। और इनके मिलाने से स्क्रीन पर हमें क्या मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज ऑप्टेन होगी। क्या होगी? ब्राइट फ्रिंज ऑप्टेन होगी। ओके, अब आगे देखो, स्क्रीन एम और एन के बीच में जिन बिंदुओं पर, जिन पॉइंट्स पर एस वन और एस टू के क्या क्रिस्ट ट्रोट और ट्रोट और क्रिस्ट ट्रोट और ट्रोट क्रिस्ट मीट हो रहे हैं, वहां पर क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें स्क्रीन पर डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है ना? तो पर्दे एम और एन के बीच में एस वन और एस टू से जो प्रोड्यूस जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उनके क्या क्रिस्ट, एक का क्रिस्ट दूसरे के ट्रोट पर अगर सुपर इम्पोज हो रहा है, तो कहने का मतलब क्रिस्ट को हमने कंटिन्यूअस और ट्रोट को हमने डोटेड हिसाब से क्या किया, शो किया है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जहां पर सतत और असतत चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां देखो यहां सतत है, असतत है, सतत है, असतत है, काट रहे हैं, वहां पर उन पॉइंट पर क्या है, उन पॉइंट पर एक वेव का क्रिस्ट दूसरे वेव के ट्रोट पर सुपर इम्पोज हो रहा है, इसलिए उन पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। ये कंडीशन होगी, एक वेव का क्या होगा, क्रिस्ट दूसरे वेव के ट्रोट पर सुपर इम्पोज हो रहा है। ठीक है ना? ऐसे मिलेंगी इन पॉइंट पर जो वेव है वो इस ऐसे मिल रही है। ठीक है ना? तो इन पॉइंट पर क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण होगा। ओके, चित्र में फिगर में इन बिंदुओं को गहरे बिंदुओं द्वारा, देखो बिंदु है यहां पर सर्किल बनाए थे, बिंदुओं द्वारा पॉइंट्स द्वारा डिनोटेड किया गया है। ठीक है ना? ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट यहां पर हम देखते हैं कि एक का गर्त दूसरे के सरंग पर अध्यारोपित हो रहा, मतलब सतत और असतत चाप कट रहे हैं इन पर। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इन पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइंस है, ये जो लाइन हमने बनाई है, इन लाइंस को हम बोलते हैं निस्पंद रेखाएं, नोड्स लाइंस, या नोड्स लाइन बोलते हैं, नोड्स लाइन। क्या बोलते हैं? नोड लाइंस, नोड लाइंस बोलते हैं। वो एंटी नोड्स था और ये नोड्स लाइंस बोलेंगे, इनको हम निस्पंद रेखाएं बोलेंगे। और स्क्रीन एन पर, पर्दे एन पर हमें काली फ्रिंजे, अधिकतर फ्रिंजे प्राप्त होंगी। ठीक है ना? ओके, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इन अल्टरनेटिंग ऑर्डर में जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज ऑब्टेन होंगी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न व्यतिकरण प्रारूप बोलते हैं। तो हाइगेन का जो वेव थ्योरी है, हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है, उसके आधार पर हम फ्रिंज किस प्रकार से बन रही है वो हमने समझा दिया। मेन यही है कि पर्दा एम और एन के बीच में ये है, तो हमें बस यही है कि यहाँ पर सतत और असतत चाप बनाने, जहाँ सतत चाप है वो किसको शो करेगा? क्रिस्ट को, और असतत चाप है वो ट्रोट को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर सतत सतत मिल रहे हैं और गर्त गर्त मिल रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा, बोले तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और उन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइंस होगी वो अल्टीनोडल लाइंस होगी और पर्दे पर हमें ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगी। और जहाँ पर सतत और असतत चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पर गर्त और सरंग, या सरंग और गर्त एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं। ओके, और इन पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को हम निस्पंद रेखा बोलेंगे और पर्दे पर डार्क फ्रिंज या अधिकतर फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है ना? तो इसी की मैं थ्योरी आपको पीडीएफ द्वारा भेज दूंगा। ठीक है ना? ओके ओके, आ गया समझ में? ये मिटा देते हैं इसको। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथमेटिकल मैथमेटिकल
मैथमेटिकल एनालिसिस, इंटरफेरेंस मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ ए इंटरफेरेंस। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम में 2 टाइम से इस पर आया हुआ क्वेश्चन। अब इंटरफेरेंस को हमने थ्योरेटिकल पोर्शन ही देखा, अभी थ्योरी पढ़ी है पूरी इंटरफेरेंस रिलेटेड, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने थ्योरी पढ़ी है, अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होगा वो हमें देखेंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे एडिंग डालना, व्यतिकरण की एकीकरण का गणितीय विश्लेषण, इसको समझना बहुत ही आसान सा है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकल एनालिसिस लेंगे तो कहने का मतलब ये कि हमें इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, गणित ये हम इसको गणित के रूप में मैथमेटिकल जो फॉर्मूलेज होंगे उसके टर्म्स में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें बताया कि इंटरफेरेंस जो है व्यतिकरण है उसमें क्या है, 2 वेव्स ही होगी, वो एक दूसरे पर क्या होंगी, सुपर इम्पोज होंगी, एक दूसरे पर 2 तरंगे होंगी, 2 प्रकाश तरंगे होंगी, वो एक दूसरे पर मिलेंगी और उनके मिलने से हमें व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा। अगर वो ऐसे मिलती है कि दोनों तरंगों के सरंग सरंग और गर्त गर्त एक दूसरे में मिलते हैं तो वहां पर हमें संपोषी व्यतिकरण मिल जाता है, और बोले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस मिल जाता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस मिलेगा तो स्क्रीन पर हमें ब्राइट फ्रिंजे बोले तो दीप्त फ्रिंजे प्राप्त होगी। अगर 2 तरंगे ऐसे मिलती हैं, कैसे, कि एक का सरिंग दूसरे के गर्त पर आधारित होता है, एक का कृष्ण दूसरे के ट्रोट पर अगर सुपरइम्पोज हो रहा है तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें स्क्रीन पर क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज ऑप्टेन होगी, बोलेंगे तो काली या अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। तो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, तो मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए हमें क्या है, जो भी जो हम वेव लेंगे हमें पता है कि यहाँ पर 2 वेव क्या होंगी, सुपर इम्पोज होगी, तो हमें क्या चाहिए, वेव की इक्वेशन लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, वेव इक्वेशन की, एक तो ये वेव ये है इसकी इक्वेशन ये है, दूसरी वेव ये है इसकी इक्वेशन ये है, तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है, तो दोनों वेव इक्वेशन एड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। हमने जो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था उसके अनुसार हमने देखा था कि किसी भी तरंग, 2 तरंग था उनकी विस्थापन आपको दिए हुए थे, तो परिणामी तरंग का विस्थापन क्या था वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो लाइट वेव जो होती है, प्रकाश जो तरंग है उसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग मानते हैं, क्या मानते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग मानते हैं, प्रकाश तरंग को हम क्या मानते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग मानते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंग बोले तो विद्युत क्षेत्र भी होगा उसमें, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। लाइट वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं, क्या मानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है, दोनों कंपोनेंट होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है वो मोर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ऑल द फिनोमिना ऑफ लाइट, ठीक है। कहने का मतलब लाइट रे को, लाइट वेव को हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मानना है, बोले तो लाइट वेव को हमें क्या मानना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे मानना है, ठीक है ना। और विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे में 2 घटक होते हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र का घटक होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र का घटक होता है, इसका मतलब प्रकाश तरंग में विद्युत क्षेत्र घटक और चुंबकीय क्षेत्र घटक 2 होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर द ऑल द फिनोमेना ऑफ लाइट, प्रकाश की सभी घटनाओं के लिए जो विद्युत क्षेत्र घटक है, 2 घटक होंगे प्रकाश तरंग में, 2 घटक होते हैं, विद्युत क्षेत्र घटक होता है और चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो घटक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होता है
वो ही क्या होता है, उत्तरदायी होता है सभी प्रकाशीय घटनाओं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रकाश है उसमें दो चीजें चलती है साथ में, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलता है और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो सारा का सारा काम है, लगभग 99.99% जो काम है किसी भी घटना को करने का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का है। मैग्नेटिक फील्ड का जो रोल है वो किसी भी फिनोमेना बहुत नेग्लिजिबल है। इसलिए हम क्या करेंगे कि भाई उस मैग्नेटिक फील्ड का रोल ही नहीं है, ठीक है, काम तो सारा किस को करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को करना है। तो इसलिए हम लाइट वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड वेव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लाइट वेव जो है वो हमें पता है कि लाइट वेव को इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इसका मतलब लाइट वेव क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे, और इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो मोर रिस्पॉन्सिबल आता है। इसलिए हम लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट वेव को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में रिप्रेजेंट करनी है। किसके रूप में रिप्रेजेंट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में रिप्रेजेंट करनी है। ओके, तो पहले आप एरो लगाकर पॉइंट लिखना। देखो प्रकाश तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे माना जाता है, या प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। पूर्ण विराम। विद्युत चुंबकीय तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश प्रकाश की सभी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश की सभी घटनाओं के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, वो रिस्पॉन्सिबल था। मैग्नेटिक फील्ड का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। अतः प्रकाश तरंग को विद्युत तरंगे भी कहते हैं, या सदिश भी बोल सकते हैं। प्रकाश सदिश है, उसको विद्युत सदिश बोलते हैं। इसलिए प्रकाश तरंग को विद्युत तरंग भी बोल सकते हैं, मतलब प्रकाश तरंग को विद्युत तरंग के रूप में यहां पर हमें शो करेंगे, ठीक है ना। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, क्या हुआ, हाँ ये हो गया, फिर ये डायग्राम बनाने का है। हाँ ये दो, ये पेज छिद्र वाला भी छोड़ दे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एडिंग डाले ना, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस एडिंग बाद में डाले ना, देखो लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फुल स्टॉप। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइट इफेक्ट्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइट इफेक्ट्स। All light effects. Okay? Okay. So, light waves
लाइट वेव्स आर कंसीडर एज इलेक्ट्रिक वेव्स। कहने वाला लाइट वेव को हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के रूप में ही लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव ही लेनी है। लाइट वेव कंसीडर एज इलेक्ट्रिक वेव। ओके, अब देखिए हम इसका डायग्राम रे डायग्राम बनाते हैं, हम इसका बता देते हैं इसको। इसका रे डायग्राम किरण चित्र, किरण चित्र। ओके ओके, अब देखिए हमने जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिया था वही डायग्राम हमें यहां लेना है। यहां पर देखो हमारे पास एक स्क्रीन थी, हमारे पास एक स्क्रीन थी, इसको स्क्रीन बोला था एम। इसमें दो सोर्स थे, लाइट सोर्स थे या स्लिट्स थी, एस वन और एस टू। ओके, और यहां पर एक स्क्रीन और थी, चलो वो भी बना लेते हैं। वह इसके एकदम मिडम मिड में थी, ये स्क्रीन एस थी, यहां पर एस थी। ओके, मेन काम यही है एस वन और एस टू से ही जो लाइट वेव निकलती है। ये स्क्रीन थर्ड स्क्रीन है, ये थर्ड स्क्रीन थी एल। ओके, अब देखिए यहां पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर हम कोई इस स्क्रीन पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, और ये स्क्रीन का सेंटर पॉइंट हो गया ओ, और ये जो डिस्टेंस हमने ले ली इस स्क्रीन से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या है, वाई है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस पी पॉइंट पर या तो ब्राइट फ्रिंज बन सकती है या डार्क फ्रिंज बन सकती है। वो डिपेंड करेगा कि ये जो वेव्स है वो किस प्रकार से सुपरइम्पोज हो रही है, इनके क्रिस्ट क्रिस्ट सुपरइम्पोज हो रही है, इनके ट्रॉट ट्रॉट सुपरइम्पोज हो रही है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर एक का क्रिस्ट दूसरे के ट्रॉट पर सुपरइम्पोज हो रहा है तो पी पर क्या होगा, काली फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। ओके, तो देखो इससे भी ऐसे वेव जाएगी और इससे भी वेव जाएगी, ऐसी जाएगी नहीं जाएगी। तो हमें यहां पर वेव के रूप में इसको रिप्रेजेंट नहीं करना, लाइट रे के रूप में रिप्रेजेंट करना है, नए वेव फ्रंट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। हमें पता है कि लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है। लाइट वेव क्या होती है, उसकी वेवलेंथ वेरी स्मॉल होती है, और वेवलेंथ स्मॉल होगी तो लाइट चलती तो वेव के रूप में ही है, बट हमें वो लाइट रे के रूप में सीने होती है। तो देखिए इस एस वन से ऐसे सेकेंडरी वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है, ये वेव प्रोड्यूस होगी, और इस एस टू से भी ऐसे वेव प्रोड्यूस होगी। ओके ओके और नोट ओके। अब मान लो एस वन से जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो पॉइंट पी पर पहुंचेंगे, मान लो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है, और एस टू से जो पी पर जाएगी क्या एक्स से ज्यादा होगी कि कम होगी डिस्टेंस, ज्यादा होगी। मतलब बोले तो एस टू से जो सेकेंडरी वेवलेट से इस पी पर जाएगी तो वो इस एक्स से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मान लिया कि ये कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डेल एक्स कर रही है, तो ये जो हो गया वो डेल एक्स हो गया। एक्स प्लस ये एस टू से जो सेकेंडरी वेवलेट पी पर जाएगी तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक्स प्लस डेल एक्स, तो कितने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डेल एक्स।
तो इन दोनों के पाथ डिफरेंस, इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा, बोले तो डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस इज ए पाथ डिफरेंस, दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना होगा, डेल एक्स ही होगा। पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल एक्स। ओके, जो आपका पथांतर होगा S1 और S2 से जो सेकेंडरी वेवलेट पॉइंट P पर जाएगी, तो उनके बीच में पथांतर, उनके पथों में अंतर कितना आएगा, डेल एक्स आएगा, ठीक है ना। तो इससे लाइट वेव प्रोड्यूस हो रही है और इससे लाइट वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये पॉइंट P पर पहुंच रही है, x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये पॉइंट P पर पहुंच रही है, x प्लस है, डेल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ये लाइट वेव, इसको हमें इलेक्ट्रिक वेव लेना है, इसको भी इलेक्ट्रिक वेव के टर्म में लेना है, तो आप डायग्राम में बना लो। अब देखो S1 और S2 से दोनों से पॉइंट P पर वेव पहुंच रही है और इन वेव्स को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लेना है, तो यहां से जो वेव जाएगी वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यहां से वेव जो जा रही है x प्लस है, डेल x डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है। तो इस S1 और S2 से पॉइंट P पर पहुंचने वाली जो तरंग होगी, वेव होगी, उनके इक्वेशन क्या होंगे, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम देख लेते हैं, एरो लगाकर नीचे लिखेंगे। लिखो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंडरी वेवलेट्स, द डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय सेकेंडरी वेवलेट्स The distance is traveled by secondary wavelets produced from sources S1 and S2 reaches at point P r small x and small x and x plus del x respectively। तो S1 और S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट है वो कितनी x और x प्लस डेल x डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है ना। ओके, फुल स्टॉप। देखो सो द इक्वेशन ऑफ दीज वेव, सो द इक्वेशंस ऑफ दीज वेव at point P in the form of electric field are given by देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लेना है, S1 माना है इज गिवन आर गिवन बाई एरो लगा लेना आगे नीचे लिखेंगे। देखो S1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसके लिए जो वेव होगी वो E1 हो गई, दैट इज इक्वल टू वेव जो है उसका इक्वेशन क्या होती है। देखो वेव को हम इक्वेशन ये होती है, साइनुसोडल फॉर्म में चलती है वेव। साइन जो होता है, साइन का अगर हम कर्व बनाते हैं साइन थीटा का, तो यही बनता है। तो वेव की अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो साइन के टर्म में ही आती है। ये क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा, आयाम होगा, बोलिया क्या हो गया, ई एम वन हो गया। किंतु साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर वन ये हो गई।
ये इक्वेशन आपको याद रखने की, यहां से जो वेव प्रोड्यूस होगी वेव की इक्वेशन ये होगी। ओके इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी हमें डेरिवेशन करना है, लेकिन जो वे इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो इक्वेशन होगी, फर्स्ट वाले S1 से जो P पर पहुंच रही है वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसके पहुंच रही है उसको हमने E1 मान लें, E1 बराबर EM1 बोले तो इसका क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, साइन के आगे जो भी मल्टीप्लाई होगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा, kx माइनस ओमेगा t, k वेव नंबर बोलते हैं इसको, x जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो है माइनस ओमेगा टी, टी क्या है टाइम हो गया, ओके ओमेगा यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टी हो गया, दोनों को टाइम तो सेम ही लगेगा, ओके और ओमेगा टी, ओमेगा क्या है इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है एंगुलर है फ्रिक्वेंसी वो बाद में लिखेंगे, ठीक है, और एस टू से जो पहुंचेगी उसकी इक्वेशन क्या आएगी, देखो उसकी इक्वेशन को हमने क्या ले लेंगे सिमिलर इसी प्रकार से, देखो क्या जाएगा E2 आ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या लेंगे EM2 लेंगे, ठीक है साइन के सिमिलरली इसी प्रकार से लिखना है, ये प्रगामी तरंग का समीकरण होता है, स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशन होती है, तो 11th क्लास में इसका डेरिवेशन भी होता है, बट हमें यहां पर डायरेक्ट समीकरण याद रखनी है, ओके ये लिख दिया ऐसे, अब यहां पर के आ गया एक्स, ये डिस्टेंस एक्स, लेकिन इसकी एक्स नहीं लिखा जाएगा, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक्स की जगह क्या लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स लिखेंगे, और माइनस ओमेगा टी, टी ये भी यहां से यहां तक पहुंचने में उतना ही टाइम लेगी, और इसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा उतनी ही होगी, क्या होगी उतनी ही होगी, क्या होगी उतनी ही होगी, ठीक है ना, उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी इतनी होगी, क्योंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम लेनी है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम होगी तो फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी, तो इंटरफेरेंस के लिए हमें नेसेसरी कंडीशन होती है कि फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी सेम है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी सेम होगी, ठीक है ना, अब पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे, उसके बाद में हम इसको आगे करेंगे, ठीक है हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, टाइम भी सेम हो, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम तो उतना ही देगा ना, है तभी तो पहुंचेंगी, जब सेम टाइम पर मिलेंगी तभी तो, ठीक है ओके। अब देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, चित्रानुसार, चित्रानुसार स्त्रोत S1 व S2 से, चित्रानुसार स्त्रोत S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली द्वितीय तरंगिकाओं, बिंदु P पर पहुंचने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के द्वारा तय की गई दूरियां क्रमशः, के द्वारा तय की गई दूरियां क्रमशः स्मॉल x तथा x प्लस डेल x है, एक्स तथा एक्स प्लस डेल एक्स है, यहां से ये दूरियां तय कर रही है, ठीक है ओके पूर्ण विराम, आगे लिखो, इन तरंगों के बिंदु पी पर, इन तरंगों के बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र समीकरण निम्न होंगे, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र समीकरण निम्न होंगे, इसके लिए ये हो जाएगा और इसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है ना ओके नोट कर लेना ये, और ये दोनों नोट कर लेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अब आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसको सेकंड वाली समीकरण को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ई एम टू साइन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा के एक्स प्लस के डेल एक्स माइनस ओमेगा टी,
ओके हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ई एम टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को हमने पहले लिख दिया और इसको लिख दिया प्लस के डेल एक्स। इसको हमने समीकरण नंबर दो दे दी। ओके अब देखिए सिंस के इंटू डेल एक्स जो होता है दैट इक्वल टू फाइव होगा, दैट इक्वल टू क्या होता है फाइव, दैट इक्वल टू क्या होता है फाइव होता है। ओके या हम ऐसे देख लेते हैं, देखिए जो कलांतर होता है या फेज डिफरेंस बोलते हैं, फेज डिफरेंस सिंस फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है टू पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन होता है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है टू पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला होता है जो इलेवंथ क्लास में आता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है टू पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को अगर हम फाई ले लें तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया टू पाई अपॉन लेमडा अपॉन पाथ डिफरेंस। यहां पर दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सिंस कलांतर जो होता है, कलांतर बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर। कलांतर और पथांतर में ये अंतर होता है कि कला कोणों में अंतर और ये पथों में अंतर, ठीक है। कलांतर को हमने 5 मान लिया, फेज डिफरेंस को 2 पाई अपॉन लेमडा, ये पथांतर पथों में अंतर। दोनों वेव्स जो यहां से S1 और S2 से जो प्रोड्यूस हो रही है उन वेव्स के पथों में अंतर, पाथ डिफरेंस कितना है, डेल एक्स नहीं है क्या, तो यहां डेल एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो सिंस k का जो वैल्यू होती है वो 2 पाई अपॉन लेमडा होती है, k इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, हेंस phi इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा k इंटू डेल एक्स आ गया, ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। तो देखो ये हमारे पास जो इक्वेशन em2 आया है, ये जो e2 आया है वो हमारे पास इक्वेशन है वो पाथ डिफरेंस के टर्म में है, बट इसको हमें किस में फेज डिफरेंस के टर्म में चेंज करना है, तो k डेल एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे फाई लिख देंगे, क्या लिख देंगे फाई, ठीक है ना। तो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं, फॉर्म इक्वेशन समीकरण दो व तीन से, समीकरण दो व तीन से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन समीकरण एक दो व तीन से, समीकरण दो व तीन से देखो यहां पर k डेल एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे फाई लिख देंगे। तो e2 इज इक्वल टू क्या आ गया, e2 इज इक्वल टू आ गया ई एम टू, ठीक है, साइन क्या आएगा बोलो के एक्स माइनस, समीकरण दो को देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे प्लस फाइव, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया फोर दे दिया, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं वेहर वेहर के इज इक्वल टू क्या होता है, के जो है वो है आपका वेव नंबर, इसको बोलते हैं वेव नंबर, इसको तरंग संख्या बोलते हैं या संचरण नियतांक भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं संचरण नियतांक भी बोल सकते हैं इसको, हम प्रोपिगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं प्रोपिगेशन कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। ओके और ओमेगा जो है ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
इसको कोणीय आवर्ती बोलते हैं। ये क्या है? कोणीय आवर्ती। ओके, और फाई जो है वो क्या है? फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस बोले तो दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस कितना है? फाई है। ठीक है, क्या है? फाई है। ये इसको हम कलांतर बोलते हैं, कलांतर हो गया। दोनों तरंगों में कितना कलांतर है? फाई कलांतर। हम देख भी सकते हैं कलांतर, समीकरण एक व चार से देखिए, इस तरंग का कला कोण क्या है? पहले इधर देखो, पहले वाले तरंग को देखो, साइन के अंदर जो कोण होता है वही क्या होता है? उस तरंग का कला कोण होता है, और तो फेज एंगल होता है। तो इस वेव का फेज एंगल क्या है? kx माइनस ओमेगा टी है। और सेकंड वाली वेव का जो फेज एंगल है वो कितना है? kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, कोण में यही है। और कलांतर क्या होता है? फेज डिफरेंस क्या होता है? दोनों के फेज एंगल में डिफरेंस, दोनों के कला कोणों में अंतर। पहली वाली तरंग का कलांतर ये कला कोण ये है, दूसरी वाली का ये। तो इसके कला कोण में से ही, इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? हाई बचेगा। तो कलांतर कितना आया? हाई आया। तो दोनों तरंगों में कलांतर क्या है? हाई है। तो ये नोट कर लो। तो हम इस समीकरण एक को रख लेते हैं और समीकरण दो को रख लेते हैं, बाकी को सबको मिटा दें। अब देखिए, एक ये वेव आएगी, एक ये वेव आएगी, वो S1 से आ रही है और ये किससे आ रही है? S2 से आ रही है। और दोनों कहां पर जाकर मिल रही हैं? बिंदु P पर मिलेंगी, और मिलेंगी तो एक नई वेव मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, एरो लगा के लिखो, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके okay? हिंदी मीडियम वाले बच्चे एरो लगा के लिखना। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था? कि जो ये जो वेव मिल रही है वहां पर हमने y1 है y2 ये लिया था, तो रिजल्टेड जो आया था वो क्या आया था? y इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 प्लस, ऐसे आया था। बट यहाँ पर हमारे पास दो मिल रही है और हमें पता है कि इंटरफेस में दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही है ना। तो सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हमें वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एड कर देते हैं। तो रिजल्टेड जो वेव आएगी उसका जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने क्या ले लिया? ई ले लिया। क्या ले लिया? ई। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई वन प्लस ई टू, इक्वेशन नंबर फाइव। ठीक है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? कि जितनी भी वेव क्या हो रही है, मीट हो रही है, उन सब के मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट होंगे, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे? एड हो जाएंगे।
वेक्टर एडिशन करते हैं, बट यहाँ पर दोनों वेव सेम डायरेक्शन में है, तो अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो हमें वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है, हम स्केलर एडिशन करके सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब E1 और E2 की वैल्यू रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, E1 की वैल्यू 1 में है, कॉमा 4 एंड 5, समीकरण 1 कॉमा 4 व 5 से वैल्यू रख दो, E बराबर हमारे पास क्या है, E1 की वैल्यू क्या है, EM1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस E2 की वैल्यू क्या है, समीकरण 4 में देखो, EM2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, रख दी वैल्यू, पुट कर दी हमने। अब देखिए, सिंस वी नो दैट, सिंस हमने एक त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है, ट्रिगोनोमेट्री में, मैथ वाले बच्चों को तो आता है लेकिन बाय वाले बच्चे देखना, a प्लस जो b होता है साइन a प्लस b, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस a कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, किसमें, इसमें, इस पूरे को हम a ले लेंगे और इसको हमने क्या ले लिया, b ले लिया, ये a हो गया, ये b हो गया, a b, तो साइन a प्लस b, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो देखिए हेंस e बराबर क्या गया, em, ये जो फर्स्ट जो टर्म है वो तो ऐसे कैसे ही लिखा जाएगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस EM2 साइन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी साइन a कोस बी, a की जगह ये है और b की जगह ये है, तो साइन a की वैल्यू क्या है, के एक्स माइनस ए ओमेगा टी इंटू में क्या है, कोस बी, b की जगह क्या लिया हमने, फाई लिया है, कॉस फाई प्लस, इस फॉर्मूले में ही ये फॉर्मूला क्या करना, सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर a की वैल्यू ये पूरी है और b की वैल्यू ये है, तो ये इसमें ऐड ही तो हो रहा है, इसको a प्लस b कर सकते हैं, cos a, a क्या है, ये है, तो cos a की वैल्यू क्या है, kx माइनस ए ओमेगा टी और इंटू में क्या है, साइन b की वैल्यू क्या है, फाई, ओके अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, EM1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, EM2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा EM2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस, अंदर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, EM2 cos kx माइनस ओमेगा टी इंटू में साइन ए फाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे भी साइन kx माइनस ओमेगा टी है और यहां पे भी साइन kx माइनस ए ओमेगा टी है, इन दोनों में से इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको नोट कर लिया होगा सबने, ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, इसको हम मिटा देते हैं, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों टर्म में से हम ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, तो ई बराबर यहां से हमने कॉमन ले लिया, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा हमारे पास, यहां पर क्या बचा, इस फर्स्ट टर्म में EM1 बचा, प्लस यहां क्या बचा, EM2 बचा और साथ में क्या है, cos a phi भी है, तो cos phi भी बचा, ये होगी सारी चीज़,
ओके, इन दोनों का कहाँ होगा, ये बचा है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कोस को पहले लिखते हैं, कोस के एक्स माइनस ए ओमेगा टी को हमने पहले लिख दिया, और बचा है उसको साथ में कोष्ठक में ऐसे लिख दिया, क्या बचा है इसके साथ में गुणा में क्या है, ई एम ए टू क्या है साइन फाइव, ओके। अब देखो हमारे पास रिजल्टेड वेव ये आई है, हमारे पास जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र परिणामी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये आया है, और इस पूरे को हमें एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है। हमने देखा था कि हमारे पास दो सुपरइम्पोज वेव थी, तो इसमें साइन साइन एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, तो रिजल्टेड वेव को भी हमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है। अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी वाला, देखो यहां पर एक दो तीन चार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, अगर ये फॉर्म में अगर आ जाए तो अगेन हम इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वापस ए की साइन आ गया। अब देखो साइन ए, ये पूरा ए हो गया साइन ए, ओके, यहां क्या होना चाहिए कोस बी होना चाहिए, लेकिन ये कोस बी नहीं है, ई एम वन प्लस ये है, कोस फाइव अकेला होता तब तो काम हो जाता, यहां कोस ए, देखो साइन ए एंगल इतना ही है, इधर क्या है कोस ए कोस ए, तो साइन ए और कोस ये तो मिल रहा है, लेकिन हमें कोस ये पूरा क्या चाहिए कोस बी, और ये क्या चाहिए साइन बी चाहिए। तो हम मान लेते हैं, लेट माना इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया सिक्स दे दिया, सिक्स ही है ना, सिक्स ही आ रही है ना, लेट इसको इस ये तो साइन है, इस पूरे को हमें कोस वाला बनाना है, ठीक है ना, तो लेट ई एम वन प्लस ई एम टू कोस फाइव, इसको हम मान लेते हैं ई एम कॉस एल्फा, मान लेते हैं ई एम कॉस एल्फा मान लेते, ठीक है, ई एम मैग्नीट्यूड हो जाएगा, रिजल्टेड वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और एल्फा क्या ई एम वन और एल्फा ये दोनों हमने कंसीडर किए हैं, तो इनकी वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया सेवन दे दिया, और एंड इसको क्या मानना है साइन वाला मानना है, तो इस ई एम टू साइन फाइव जो है इसको हमने क्या मान लिया ई एम ए साइन ए एल्फा, ये हमने कंसीडर किए है, ये हमने क्या किया है कंसीडर किए है, माना है, और माना अब कोई भी अगर हम मानते हैं तो उसको सूच समेत वापस लौटाना पड़ता है, तो ई एम वन और एल्फा ये दोनों हमने कंसीडर किया, तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी इन द गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या हमारे पास ई एम वन ई एम टू और फाइव ये हमें गिवन है, ई एम वन क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव एंड फाइव क्या है कलांतर है, ठीक है ना, ये पहली तरंग का आया हमें दूसरी वाले का ये कलांतर है, ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन सिक्स सेवन एंड एट क्या आ गया बोलू ई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास क्या आ गया साइन के एक्स माइनस ए ओमेगा टी इंटू में क्या आ गया ई एम ए कॉस एल्फा प्लस कॉस के एक्स माइनस ए ओमेगा टी इंटू में ई एम ए साइन ए एल्फा, ठीक है, ई एम दोनों में है तो ई एम को पहले बाहर ले लो, ई एम बाहर आ गया, अंदर क्या रहा साइन के एक्स माइनस ए
ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस की एक्स माइनस ए ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू अल्फा है, तो हम इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं इसमें कि हम इसको हमने कंबाइंड फॉर्म लिख दिया साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है कि एक्स माइनस ए ओमेगा टी और प्लस क्या जाएगा ए, ये पूरा ए हो गया प्लस बी क्या है अल्फा है। ये आगे हमारे पास जो रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वेव इक्वेशन आ गई। ओके, टीएम जो होगा वो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्फा क्या है फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड विद फर्स्ट वेव, पहली जो वेव है उसकी रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो यहां तक नोट कर लो। नोट कर लो, इसके नीचे नोट करो। अबो इक्वेशन इज अबो इक्वेशन इज रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, अबो इक्वेशन इज रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन। उपरोक्त समीकरण परिणामी विद्युत क्षेत्र का समीकरण है, उपरोक्त समीकरण परिणामी विद्युत क्षेत्र का समीकरण है, ठीक है। जहां वे है जहां EM क्या है और अल्फा क्या है, ये दो ही हमने यहां पर देखो कंसीडर किए थे माने थे। ओके, इनकी ये क्या क्या हो गए इस इक्वेशन से मैं बताया कि साइन के आगे जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है, उस तरंग का आयाम होता है। तो EM तो क्या है रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आयाम है, परिणामी विद्युत क्षेत्र का आयाम है, और अल्फा क्या है फेज डिफरेंस है किसके साथ फर्स्ट वाली वेव के साथ है, ठीक है ना। तो वेयर ईएम के आगे लिखना परिणामी विद्युत क्षेत्र का आयाम और अल्फा क्या लिखोगे परिणामी तरंग तथा प्रथम तरंग के मध्य कलांतर, परिणामी तरंग तथा प्रथम तरंग के मध्य कलांतर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ईएम के आगे लिखना एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्फा लिखना फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेड वेव एंड फर्स्ट वेव, फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेड वेव एंड फर्स्ट वेव। ओके, तो हमें EM और अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बोले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए
एम्पलीट्यूड ऑफ ए गिवन जो वेव्स है, ये फर्स्ट वाली वेव का एम्पलीट्यूड है, ये सेकंड वाली वेव का, ये प्रथम वाली तरंग का आयाम है, दूसरे वाली तरंग का आयाम है, और ये पहली और दूसरी तरंग में कलांतर है, ठीक है ना। तो EM1, EM2 और phi ये गिवन है, इनके टर्म्स में EM और अल्फा की वैल्यू हमें निकालेंगे, जो हमें कल निकालेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।